हमें नई पीढ़ी को भी विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और दुनिया में वही देश आगे बढ़ने वाला है जिसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत होगी। और इसलिए समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हमारी नई पीढ़ी को बचपन से ही साइंटिफिक टेंपर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। और इसलिए ये जो बड़ी सफलता मिली है, ये जो उमंग है, उत्साह है, उसको अब शक्ति में चैनलाइज करना है। और शक्ति में चैनलाइज करने के लिए माई गॉव पर 1 सितंबर से एक क्विज कंपटीशन आरंभ होगी, ताकि हमारे नौजवान छोटे छोटे सवाल जवाब देखेंगे तो उनकी धीरे धीरे उस पर रुचि बनेगी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है। हमारी नई शिक्षा नीति इसको बहुत अधिक बल देने वाली शिक्षा नीति है और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा क्विज कंपटीशन। मैं आज यहां से देश के नौजवानों को, मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा कि स्कूल का एक कार्यक्रम बने कि ये चंद्रयान से जुड़ी हुई जो क्विज कंपटीशन है उस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देश के करोड़ों करोड़ों युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा परिणाम देगा।